फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के लिए द ग्रैप्स ऑफ फ्रेज जो कि जॉन स्टीनबेक की बहुत ही फेमस एक नॉवल है वो लेके आया हूँ। ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल है जिसके लिए स्टीनबेक को पुलित्जर प्राइज मिला था और उसी नॉवल के कारण उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1962 में। इस नॉवल की जो सेटिंग है वो ग्रेट डिप्रेशन और ओक्लाहामा में है। ग्रेट डिप्रेशन मतलब महामंदी जो कि 1927 में वहां पे आई थी। प्रोटागोनिस्ट टॉम जियोड है जो कि 4 साल के से जेल में है। जेल का नाम मैक एलेस्टर प्रिजन है और इसे पेरोल पर छोड़ दिया गया है और ये अपने एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगता हुआ ये सैलीसा ओक्लाहामा जहाँ पे इसकी फैमिली रहती है ये वहाँ जा रहा है। रास्ते में इसे जिम कैसी नाम का एक बंदा मिलता है जो कि इसका चाइल्डहुड टीचर है। ये जिम और टॉम दोनों अपनी फैमिली फॉर्म में जाते हैं जहाँ उनको पता चलता है कि इनके जो फैमिली फार्म है वो डिस्ट्रॉयड हो गया है। सारी फसलें डस्ट बाउल से नष्ट हो गई हैं। धूल डस्ट बाउल मतलब धूल भरी आंधियों से नष्ट हो गई हैं। इन्हें मूली ग्रेविस जो कि इनका एक बहुत ही बूढ़ा पड़ोसी है वो इन्हें मिलता है। वो इन्हें थोड़ा सा क्रीपी दिखता है। वो इन्हें अपना रैबिट देता है जिसे सब बनाकर खाते हैं। यही हमें पता चलता है कि वहां पे एक सिस्टम था जिसे में लैंड टेनेंट जो थे वो किसान थे। सारी जमीन जो थी वो किसानों ने लैंड ओनर्स बैंकों के पास गिरवी रख रखी थी। अब वहां पे सूखा आ गया। सूखे कारण जमीनें सारी खत्म होगी और आंधी कारण फार्मिंग जो थी वो असंभव होगी। फार्मिंग में कोई फायदा नहीं रहा और इकोनॉमिकल डिप्रेशन भी आ गया था। इस इकोनॉमिकल डिप्रेशन से क्या हुआ कि बैंक जो फार्मर्स थे वो बैंकक्रप्ट होने लग गए थे, दिवालिया होने लग गए थे। और इसके कारण क्या हुआ इकोनॉमिकल डिप्रेशन में के बैंक से बैंकरप्सी बहुत ज्यादा बढ़ गई और कुछ वहां पे जो उनको पता चला जो बड़े ओनर से उनको पता चला था कि ट्रैक्टर जो है वो सारे परिवार का काम कर सकता है और उसे ऑपरेट और मेंटेन ट्रैक्टर को ऑपरेट और मेंटेन करना बहुत आसान है। इसीलिए अब क्या हुआ कि सारे किसान जो थे लोगों जो बड़े किसान थे उन्होंने ट्रैक्टर्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया और जो लैंड ओनर थे यानी कि बैंक थे उन्होंने किसानों को जमीन और घरों से बाहर निकाल दिया। सारे परिवार जो वहां अपना पुश्तों से वहां रहते आए थे उन्होंने अपनी परिवार छोड़ दिए और सारे जने कैलिफोर्निया जा रहे थे। कैलिफोर्निया जाने का कारण ये था कि वहां पर कुछ पर्चे बांटे जा रहे थे जिनमें देखा था कैलिफोर्निया में बहुत जगह है और बहुत काम है। अब ये जो मूली है वो टॉम को बताता है कि जोड फैमिली है वो अंकल जॉन जोड के घर पर है और जल्दी ही वे लोग भी वेस्ट कैलिफोर्निया चले जाएंगे। मूली का अपना परिवार भी पहले ही वेस्ट कैलिफोर्निया चला जा चुका था पर वो उनके साथ नहीं गया था क्योंकि वो लैंड ओनर्स यानी बैंकों को जीतने के बारे में सोच नहीं सकता था। इसलिए उसने वैग्रेंट घुमक्कड़ का जीवन जीना स्टार्ट किया। वो सुनसान घरों में नदियों के किनारे पे सोता था और लैंड ओनर्स को परेशान करता था और ये सब लोग कैंप फायर करके रात को आग जला के बैठे हैं। इतने में ही टॉम उनको एक कार आती दिखती है जो कि लैंड ओनर्स यानी बैंक वालों की है। वो लोग आते हैं घर की तलाशी लेते हैं और उन ये दो लोग डर के मारे टॉम कैसी और मूली जो हैं वो कॉर्नफील्ड मक्का के खेत में भाग जाते हैं। वो मक्के खेत में तलाश करते हैं पर इन्हें कोई नहीं मिलता है। अगले दिन टॉम और कैसी जो है अंकल जॉन जोड के घर पे जाते हैं। जोड अपनी माँ इनकी ये माँ है माँ जोड पापा का नाम है पा जोड। इसका एक भाई है एल और इसकी एक बहन है रोज ऑफ शेरोन जिसको रोजारोन भी कहा जाता है। इसके जीजा जी का नाम है कौन रिवर। इसकी एक बहन है जीजा के भाई है विनफील्ड और बहन है रूथ। अब जो ये इनके ग्रैंड दादा है ग्रैंडपा और दादी है ग्रैंडमा ये सारे जने यहाँ रहते हैं। माँ जोड़ बड़ी खुश होती है टॉम को देखकर उसके लिए बढ़िया सा ब्रेकफास्ट
बनाती है। और इस ब्रेकफास्ट करने के बाद में ये सब प्लान करते हैं कि हम आगे कैलिफोर्निया जाएंगे। अब कैलिफोर्निया जाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये एक जलोपी लेते हैं जो कि हडसन मोटर कार कंपनी की सिडान है, हडसन मोटर कार कंपनी की सिडान है। और यहाँ पे क्योंकि एक रियलिस्टिक नावल है तो वो बताता है कि कार डीलर्स क्या करते हैं, वो उन्हें सिडान को ट्रक में कन्वर्ट कर दे देते हैं और उससे अच्छा पैसा कमाते हैं, ना कि वो नई कार बेच कर ज्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं। ये अपना जितना भी सामान है वो अपनी उस ट्रक में जलोपी नाम के जो कार कन्वर्ट ट्रक है उसमें रख देते हैं और बाकी सारा सामान 18 डॉलर में बेच देते हैं। कितने डॉलर में बेचते हैं सर? 18 डॉलर में सारा सामान बेच देते हैं और ये जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब जाने लगते हैं तो ग्रैंड पा नाटक करते, भाई मुझे तो घर पे रहना है और मैं नहीं जाता। तो ये ग्रैंड पा को उनकी जो खांसी की दवाई है उसके ज्यादा 4-5 ढक्कन पिलाकर बेहोश कर देते हैं और ट्रक में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद में अब ये जहाँ वेस्ट ऑन रूट 66 पर चलना स्टार्ट करते हैं और जहाँ इन्हें रास्ते में बहुत सारी माइग्रेंट फैमिलीज मिलती जाती हैं, इन्हें पता चलता है कि वो जो फ्लायर एडवर्टाइजमेंट थे वो पंफलेट थे, वो झूठे थे, क्योंकि उनका लॉजिक यही था कि ज्यादा से ज्यादा वर्कर यहाँ आएंगे और मजदूरी सस्ती हो जाएगी। जो जिम है, जिम कैसी जोट्स को कहता है भी मुझे भी अपने साथ ले चलो और मैं भी वहां पे काम कर सकूं, और ये सब काम करना शुरू कर देते हैं। जर्नी में स्टार्टिंग में इनके दो बंदे खत्म हो जाते हैं। पहला जो उनका डॉग है जो कि वहां से भाग जाता है जिस फर्स्ट स्टॉप पर ये रुकते हैं, और ग्रैंडपा जो है वो स्ट्रोक से मर जाते हैं। जब ग्रैंडपा स्ट्रोक से मरते हैं तो इनको दफनाने के लिए विल्सन फैमिली जो है वो इनकी बड़ी हेल्प करती है, तो ये डिसाइड करते हैं कि चलो हम विल्सन फैमिली के साथ ही चलेंगे। रास्ते में विल्सन फैमिली की कार खराब हो जाती है तो टॉम और कैसे कहते हैं कि हम कार खराब कार को ठीक करने के थोड़ी देर रुकते हैं, लेकिन माँ जोड़ कहती है कि जो कि मोरली सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है वो कहती है कि नहीं, मैं मेरे बेटों को अलग नहीं करूंगी। टॉम और एल जो हैं वो जंकयार्ड से खोजा ढूंढ लेते हैं, दोबारा यात्रा स्टार्ट करते हैं। तभी इन्हें एक पर्सन मिलता है जो कहता है कि कैलिफोर्निया में कुछ नहीं है, सब कुछ झूठ है। जब जोट्स और विल्सन कैलिफोर्निया में पहुंचते हैं तो पुलिस उनसे पूछताछ करती है। इसी बीच ग्रैंडमा बीमार हो जाती है और फिर जब पुलिस इनसे पूछता और वो मर जाती है, ये ग्रैंडमा को भी दफना देती है। अगली बार जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वहां जोड़ बड़े बहादुरी से उनको समझाकर भेज देती है। अब यहाँ पे स्टीन बैक जो है वो कैलिफोर्निया की हिस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा सा बताते हैं। रियलिस्टिक नॉवल है कि वो बताते हैं कि कैलिफोर्निया की हिस्ट्री जो है वो स्लेवरी और ऑपरेशन से भरी पड़ी है, और वो प्रेडिक्ट करते हैं जॉन स्टीनबेक की यहाँ पे क्रांति होने ही वाली है। नेक्स्ट कैंप में ये जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक वीड पैक नाम का एक कैंप है जो गवर्नमेंट कैंप है, जहाँ पे पुलिस भी नहीं आती और वहाँ बाथरूम टॉयलेट है। जब पुलिस ऑफिसर टॉम और बाकी ओकीज जितने भी ये माइग्रेंट्स हैं, इन्हें पुलिस वाले ओकीज कहते हैं, जब इनसे बातचीत करती है तो टॉम एक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है और टॉम को बचाने और कैसी जो है वो उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि टॉम तो पैरोल पर है और पैरोल वाले बंदे को पर अगर कोई केस हो जाए तो उसकी पैरोल टूट जाती है, तो कैसी जो है वो सारा ब्लेम अपने ऊपर लेकर जेल चला जाता है। यहीं पर जो है बाकी फैमिली भी अलग हो जाती है, अंकल जॉन दारू पीने चले जाते हैं, नो समाज को छोड़कर जंगल में रहने चला जाता है, कोनी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर चला जाता है। जाने से पहले टॉम अंकल जॉन को ढूंढ लाता है जो कि उनकी अपनी वाइफ की डेथ के लिए अभी तक गिल्टी फील करते हैं। सारे जने वीड पैक गवर्नमेंट कैंप में पहुंचते हैं, बड़े हैरान हो जाते हैं जोट्स की यहाँ बहुत अच्छा व्यवहार है। सॉरी, टॉम को काम भी जल्दी मिल जाता है, पर कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर थॉमस चेतावनी देते हैं कि जो आने वाला सैटरडे है वहां पे वीड पैक में बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वीड पैक में जो है गवर्नमेंट का रूल है कि पुलिस कैंप में वैसे नहीं आ सकती, लेकिन अगर कोई ट्रबल है तो आ सकती है। तो पुलिस वालों ने एक ट्रबल बनाने के लिए कुछ इंट्रूडर्स, कुछ घुसपैठिए भेजे हैं। जोट्स को अच्छी जगह मिल गई है, सैटरडे नाइट को जो प्रॉब्लम होती है वो संभाल लेते हैं, पुलिस नहीं आती है। अब इस बात के बाद एक महीना निकल जाता है लेकिन इन्हें स्टडीली लगातार काम नहीं मिल रहा है,
तो इनको लगता है कि हमें अपनी इन्हीं जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए, और वो ऊपर रेंच पहुंचते हैं। ऊपर रेंच में जैसे ही जाते हैं, इनको सारी फैमिली को पीछे से आड़ू तोड़ने का काम मिल जाता है। वेजेस भी बड़ी नॉर्मल से हायर होती है, क्योंकि वहां पे एक स्ट्राइक चल रही होती है और ये लोग स्ट्राइक तोड़ रहे होते हैं, इसलिए इनको सैलरी ज्यादा मिलती है। अब इन्हें पता चल जॉन टॉम को पता चलता है कि स्ट्राइक करने वाला है जॉन कैसी, जिसने जेल में ही सोचा कि मुझे हायर क्लास के अगेंस्ट वर्किंग क्लास को स्ट्रगल में करना चाहिए, कम्युनिस्ट बिलीफ। अब स्ट्राइक एक तरफ जॉन कैसी और टॉम जैसे लोग हैं जो स्ट्राइक को कंटिन्यू करना चाहते हैं, दूसरी तरफ स्ट्राइक तोड़ने वाले हैं, दोनों में लड़ाई होती है और उस लड़ाई में कैसी का मर्डर हो जाता है। जिसने कैसी का मर्डर किया टॉम उस बंदे को मार देता है और पुलिस के हाथों से बचकर भाग जाता है। तब सारी फैमिली को लगता है कि हम यहाँ रहे, टॉम कहता है कि मैं फैमिली से अलग हो जाता हूँ ताकि किसी फैमिली पर मेरे कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आए। फैमिली वाले कहते हैं कि हम किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहां टॉम को प्रॉब्लम ना आए, तो वो कॉटन फील्ड में पहुंचते हैं जहां टॉम जंगलों में रहता है और फैमिली बॉक्स कार में रहती है। फैमिली वाले टॉम की आइडेंटिटी और लोकेशन का किसी को नहीं बताते हैं, पर रूथ विनफील्ड जो है वो एक बच्चे से साथ लड़ाई में बता देता है कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा सा बंदा जिसने मर्डर किया हुआ है। तब माँ जो टॉम को बताती है तो टॉम फैमिली को छोड़कर अकेला ही निकल जाता है और वो सोचता है कि जिस तरह कैसी ने फाइट किया था उसी डेडिकेशन से मैं भी फाइट करूंगा, और वो एक प्लेज भी लेता है कि मैं अपनी फैमिली से जरूर मिलूंगा। जब टॉम फैमिली को छोड़ के जाता है तो वहाँ रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है और रेनी सीजन में बाढ़ आ जाती है। सारे लोग कैंप छोड़ के चले जाते हैं लेकिन जोड़ास नहीं जा पाते क्योंकि रोज और शेरन को लेबर पेन होने लग जाता है, इसलिए सारी फैमिली तो कैंप से ऊंची ऊंची चोटी पर चली जाती है। जोड़ास बाढ़ के पानी को रोकने की कोशिश करते हैं पर सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लास्ट में वो कार के टॉप पर बैठ जाते हैं। रोज और शेरन को एक बच्चा होता है जिसे अंकल जॉन एक बॉक्स में क्रीक में छोड़ देते हैं। बाद में सारी फैमिली ऊंचे ग्राउंड में बच जाती है और एक बैरन में शेल्टर, एक खाली कमरे में शेल्टर ले लेती है जहां पर एक मर रहा भूखा हुआ आदमी और उसका बेटा होता है। और यही इस नोवेल का सबसे ड्रामेटिक एपिसोड आता है कि एंड में रोज ऑफ शेरोन उस मर रहे आदमी को ब्रेस्ट फीडिंग करती है ताकि वो हेल्थी हो सके। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो पर कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाए हैं, जब आप ये वीडियो अच्छी तरह से समझ लीजिए तो उन क्वेश्चंस को भी जरूर देखिए। आई होप दे विल हेल्प इन योर फ्यूचर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस।